और दोस्तों यहाँ पर जो इनकाउंटर होते हैं उसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि पीपी फार्मूले के तहत होता है, उसे स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि अगर पुलिस फेक इनकाउंटर करती है तो उसके विषय में कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारी आईपीएससी और सीआरपीसी इसके विषय में क्या दिशा निर्देश देते हैं, यानी एनएचआरसी के क्या दिशा निर्देश हैं, इस बारे में आज एक कंप्लीट चर्चा की जाएगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ संकल्पनाओं को समझेंगे, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट और फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो हम ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं, ज़्यादा उत्सुक रहते हैं रिपोर्ट को जानने के लिए, इसलिए मैं उसे लास्ट में रख रहा हूँ। वहाँ पर हम जानेंगे कि कितने परसेंट वृद्धि हो रही है इनकाउंटर में और कितने परसेंट गिरावट हो रही है, और इसके साथ साथ कौन सा राज्य इनकाउंटर के मामले में आगे है और वहाँ पर क्या सिचुएशन है, इन सब के बारे में हम सब कुछ डिटेल से जानने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, ये कंप्लीट क्लास होगी जहाँ पर हम पूरे प्रावधान को वन बाय वन समझेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक बचेगा ही नहीं जो आप सोच रहे हों और यहाँ पर बताया ना जाए। तो चलिए अब वीडियो पूरा देखकर आप इस बात का परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इन गैर न्यायिक हत्याओं, जैसे यहाँ पर मूल बात जो है अर्थात चर्चा का मुख्य आधार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बारे में है, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि गैर न्यायिक हत्याओं जिन्हें लोकप्रिय रूप में मुठभेड़ के नाम से जाना जाता है, मुठभेड़, जैसे एक बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या मुठभेड़ के नाम पर पुलिस किसी की भी हत्या कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो पुलिस को गोली चलाने का अधिकार है वह आत्मरक्षा के तौर पर ही दिया गया है, उसके विषय में भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो आगे बताया जा रहा है दोस्तों, जो दिशा निर्देश के महत्व और पालन की बात कही गई है वो यहीं से शुरू होती है कि 23 सितंबर 2014 को तत्कालीन CGI RM लोढ़ा और रोहिंटन फली नरिमन की पीठ ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, किसके विषय में, एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लिंग के बारे में। तो उन्होंने बताया कि पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मौत के सभी मामले में अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए। ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के तहत दी गई इस तरह की जांच से पता चलता है कि क्या बल का उपयोग उचित था और की गई कार्यवाही वैध थी। जब जांच होगी तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि जो पुलिस कार्यवाही की गई वह कितना उचित थी और कितना वैध थी। इसके साथ साथ अदालत ने कहा कि इस तरह की जांच के बाद संहिता की धारा 190 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट गाइडलाइन जारी की थी किसने, CGI ने। और वहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि यदि कोई मुठभेड़ होती है और पुलिस बल द्वारा, यहाँ पर अब मुठभेड़ वाली बात और पुलिस के द्वारा कार्रवाई, मतलब पुलिस ने गोली चलाई जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसी के विषय में बताया जा रहा है। तो यदि मुठभेड़ होती है और पुलिस पार्टी द्वारा अग्नि अस्त्र का उपयोग किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रभाव की एक प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए और धारा 157 के तहत बिना देरी के अदालत को भेज देनी चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से प्रावधान बताए गए, जैसे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के उपरांत अगर मृत्यु भी हो गई तब वहां पर जो दिशा निर्देश दिए गए उनके विषय में यहाँ पर हमने जान लिया। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि मुठभेड़ में एक स्वतंत्र जांच के प्रावधान भी सूचीबद्ध हैं, जो एक वरिष्ठ अधिकारी, मुठभेड़ में गौर कीजिएगा जो वरिष्ठ अधिकारी है उसे समझने की ज्यादा जरूरत है, तो मुठभेड़ में शामिल पुलिस दल के प्रमुख में से कम एक स्तर ऊपर जो अधिकारी मुठभेड़ में शामिल थे उनका वरिष्ठ अधिकारी अर्थात उनसे एक स्तर ऊपर वाले के बारे में बताया गया कि देख रेख में जो वरिष्ठ अधिकारी है उसकी देख रेख में CID या किसी अन्य पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम द्वारा आयोजित की जाएगी। तो जो जांच आयोजित की जाएगी उसमें CID या किसी अन्य पुलिस स्टेशन के व्यक्ति शामिल होंगे जो इस बात को देखेंगे कि जो कार्रवाई की गई वह उचित थी, वैध थी या नहीं। फिर आगे बताया जा रहा है कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि इन आवश्यकताओं या मानदंडों को
भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून के रूप में मानते हुए पुलिस मुठभेड़ में मौत और गंभीर चोट के सभी मामलों में सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 141 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के अन्य सभी अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। कोई भी व्यक्ति न्यायालय के निर्णय और उसके आदेश की अवमानना नहीं कर सकता। दोस्तों, मार्च 1997 में पूर्व CGI न्यायमूर्ति MN बैंकेट चलैया ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह कहते हुए लिखा कि NHRC को आम जनता और गैर सरकारी संगठनों से शिकायतें मिल रही हैं कि पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके बजाय पुलिस आरोपियों को मार देती है, उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया के अधीन होना चाहिए, जैसे कि पुलिस किसी व्यक्ति को दंडित करने का आशय यहाँ पर मृत्युदंड से है। यहाँ पर जो न्यायालय है वही किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। अगर हम कार्यपालिका को इस तरीके का अधिकार दे रहे हैं तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का भी उल्लंघन हो रहा है, वही बात यहाँ पर इन्होंने बताई। अधिकारियों के द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वही चिंता व्यक्त करते हुए सभी मुख्यमंत्रियों को पूर्व CGI ने पत्र भी लिखा। उन्होंने फर्जी मुठभेड़ पर चिंता व्यक्त की। साथियों, हमारे कानून के तहत पुलिस को किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। यदि पुलिस कर्मचारी अपने कार्य से किसी व्यक्ति को मारता है तो वह गैर इरादतन हत्या का अपराध करता है। इस आलोक में NHRC के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस उन मामलों में दिशा निर्देशों का पालन करे जहां पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई हो, अर्थात जो प्रावधान पहले शुरू में मैंने बताया उसी के विषय में यहां पर कहा जा रहा है। और दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने पर विचार भी किया जा सकता है, जहां पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया जा सकता है और जांच के बाद मुकदमा भी चलाया जा सकता है। मुठभेड़ में हुई मौत के 3 महीने बाद एक दूसरी रिपोर्ट NHRC को भेजी जानी चाहिए, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष शामिल हों। ये जो आपने थंबनेल देखा जहां पर फर्जी एनकाउंटर के विषय में लिखा गया है, अब यहां पर हमें उसी मामले को समझना है कि हाल ही में ऐसा कौन सा मामला हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें पुलिस पर कार्रवाई हुई, तो वही बात यहां पर आगे स्पष्ट की जा रही है। साथियों, दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व HC जज BN सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया, जिसमें पुलिस द्वारा हैदराबाद में 26 वर्षीय पशु चिकित्सक के गैंग रेप और हत्या के 4 आरोपियों की हत्या कर दी गई थी। और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। और तेलंगाना पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों के उस वक्त गोली मारी गई जब उन्होंने भागने की कोशिश की और इसके साथ साथ पुलिस से हथियार को छीनने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो बात सबसे प्रमुख तौर पर बताई जाती है वो यही है कि जो पुलिस कार्रवाई होती है वहाँ पर मुठभेड़ की बात हमारे समक्ष ज़्यादा प्रस्तुत होती है और वहाँ पर ऐसे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिए गए तर्क तार्किक हैं, सही हैं, वैध हैं या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलता है। क्या हम मुठभेड़ के नाम पर, जैसे उस व्यक्ति ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, जैसे विकास दुबे वाले मामले में भी ये प्रकरण काफी ज्यादा सुर्खियों में था कि उसने कथित तौर पर भागने का प्रयास किया जिसके परिणाम स्वरूप हमने उसे गोली मारी। तो यहाँ पर यही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या वह व्यक्ति सही में ऐसी हरकतें किया था या नहीं। इसकी जांच जब तक नहीं की जाती तब तक हमारे समक्ष पूरा मामला प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अब आइए हम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। तो भारत में 2016 से 2017 और 2021 से 2022 के बीच 6 वर्षों में दर्ज पुलिस मुठभेड़ में हत्या के मामलों में 15% की गिरावट आई है, जबकि 2021 से 2022 में मार्च 22 तक पिछले 2 वर्षों में मामलों में 69.5% की वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ भारत में पिछले 6 वर्षों में पुलिस मुठभेड़ में हत्याओं के 813 मामले दर्ज किए गए हैं, अर्थात 2 राज्यों में सबसे ज्यादा पुलिस कार्यवाही में मृत्यु हुई है, वो 2 राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है
कि हम किस तरीके से जो ये माफिया गैंगस्टर होते हैं इन्हें रोक सकते हैं, इनके विषय में अगर हम कुछ सुझाव की बात करें वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आगे की राह में या निष्कर्ष में हम इस बात को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पक्ष देखा, विपक्ष देखा, अब इस मामले में, इस गंभीर चुनौती में हमारी क्या राय होनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे पहले तो माफियाओं का राजनीतिक संरक्षण और संरक्षण बंद होना चाहिए, और दूसरा इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करना चाहिए, और तीसरा डॉन को कानून के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, चौथा इस गठजोड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों के पंख काट दिए जाने चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों यहाँ पर जो इनकाउंटर होते हैं उसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि पीपी फार्मूले के तहत होता है, उसे स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों जो P1 है वहाँ पर क्या है कि जो पब्लिक सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब मैं किसी इनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी इनकाउंटर होते हैं माफिया गैंगस्टर के होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि जो जनता है, जनमानस है, वह काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और दूसरा जो पी है वो कौन सा है, वो है पॉलिटिकल सपोर्ट। तो दोस्तों जब जनता खुश होती है, जनता उसके साथ देती है किसका, जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो वहाँ पर राजनीतिक लाभ भी पार्टियों को मिलना शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ एक स्वतंत्र छवि भी बनना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और जो अन्य संगठन हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त करते हैं कि पुलिस किसी व्यक्ति को अगर इस तरीके से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के मामले में अगर वृद्धि हो रही है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। तो ये पूरा मामला था, और यहाँ पर जितने भी प्रावधान थे, जितनी भी बातें थी, उन सबको मैंने स्पष्ट कर दिया। जैसे कि बहुत से इनकाउंटर हुए हैं उनके विषय में, वो एक राजनीतिक मुद्दे हैं, वहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया वीडियो है, और यहाँ पर जो मैं यही करता हूँ, जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे, कि जितने करंट बर्निंग इशू रहते हैं, जितने भी समसामयिक बिंदु रहते हैं, जितने भी सुर्खियों में मुद्दे रहते हैं, उन्हें हम किस तरीके से अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं, उन्हीं के विषय में मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। राजनीतिक मामले में फंसने और उन पर चर्चा करने के लिए मैं कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाता। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक लगी होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि मुठभेड़ और उससे जुड़े तमाम कानूनी प्रावधानों को वो भी जान सकें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।